वंदे मातरम खबर गोवा महाराष्ट्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, थोड़ी देर में संजय राउत की कोर्ट में पेशी होगी और संजय राउत को कोर्ट में लेकर पहुंची ईडी। मेडिकल के बाद राउत को कोर्ट में पेश किया गया, जेजे अस्पताल में राउत का मेडिकल हुआ। संजय राउत का बयान कि हम झुकेंगे नहीं, ये संजय राउत का कहना है। वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे, मेडिकल हो चुका है, जेजे हॉस्पिटल में संजय राउत का मेडिकल हुआ है, लेकिन उनका फिर भी लगातार यही कहना है कि हम झुकेंगे नहीं। थोड़ी देर में संजय राउत की कोर्ट में पेशी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राउत को ईडी कोर्ट लेकर पहुंची, मेडिकल के बाद राउत को कोर्ट लाया गया है। पहले मेडिकल कराया गया, उसके बाद संजय राउत को कोर्ट लाया गया। थोड़ी देर में पेशी होगी और उनका बयान ये है कि हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे। इस तरह की बातें लगातार संजय राउत की तरफ से कही भी जा रही है कि हम झुकेंगे नहीं। संजय राउत की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र में जो घमासान मचा हुआ है संजय राउत को लेकर, या फिर यूं कहें कि महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा हुआ है संजय राउत को लेकर, और उसी बीच में यह गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट में पेशी, मेडिकल हो चुका है और कोर्ट में पेशी, जिसके बाद अब बयान सामने ये आया है कि हम झुकेंगे नहीं, चाहे जितनी भी कोशिशें कर ली जाएं। अब देखना होगा कि कोर्ट में पेशी के बाद क्या फैसला निकलकर सामने आता है। गिरफ्तारी हो चुकी है और क्या फैसला सामने आता है ये देखना होगा। बहुत बड़ी बात है क्योंकि पूरी तरह से सियासी घमासान इस समय महाराष्ट्र में मचा हुआ है। अभी अभी वहां पर नई सरकार बनी है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद, उसके ठीक बाद इस तरह का घटनाक्रम हो जाना, इसको सियासत भी बताया जा रहा है। और इसीलिए संजय राउत का कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, ये संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। थोड़ी देर में संजय राउत की कोर्ट में पेशी और ईडी कोर्ट पे लेकर पहुंची है। पेशी से पहले मेडिकल करा लिया गया है और उसी बीच में संजय राउत का बयान सामने आया है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, हम अपना पक्ष पूरी तरह रखते रहेंगे, हम झुकेंगे नहीं। तो प्रवर्तन निदेशालय ने मेल घोटाला मामले में जांच के बाद में शिवसेना सांसद को गिरफ्तार किया और उस गिरफ्तारी के बाद मेडिकल कराया गया है। मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेशी और उसी बीच में यह बयान सामने आया है। हालांकि सभी को इंतजार है कि आगे क्या होगा, महाराष्ट्र में आगे क्या होगा, संजय राउत को लेकर आगे क्या होगा। मामले में जांच के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत को हिरासत में लिया गया और उस कार्रवाई के विरोध में पुणे में शिवसेना ने आक्रामक रुख अख्तियार इस समय किया हुआ है। पूरी तरीके से शिवसेना ने आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। जो शिवसैनिक हैं, शिवसेना के नेता हैं, वो इस समय आक्रोशित है पूरी तरह से। कार्रवाई के विरोध में शहर प्रमुख संजय मोरे के नेतृत्व में पुणे में सरसबाग चौक पर रास्ता रोको प्रदर्शन भी किया गया है और अलग अलग तरीके से प्रदर्शन इस समय महाराष्ट्र में किया जा रहा है। सिद्धेश कर्णावत इस समय हमारे साथ पुणे से लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सिद्धेश, जिस तरह की ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है, गिरफ्तारी संजय राउत की हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ शिवसैनिकों का जो हंगामा है, उनका जो आक्रोश है, वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। देखिए, बात ऐसी है कि आज सवेरे 11 से 11:15 बजे से लेके पिछले 2 घंटों से सारसबाग चौक में, जो स्वारगेट से बहुत करीब है, वो सारे शिवसैनिकों ने रोक लिया था। जो उसमें शहर प्रमुख संजय मोरे थे, कॉर्पोरेटर बाला ओसवाल थे और बहुत से लोग थे जो पूरे पुणे से इकट्ठा होकर सारसबाग में उन्होंने रास्ता रोको किया। हालांकि पुलिस ने कुछ कोशिश की पर आंदोलन बहुत ही शांततामय तरीके से हुआ है, इसलिए कुछ भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अगर कल की बात करें तो संजय राउत साहब जो कल पूरे 9 घंटे ईडी के दफ्तर में थे, उन्होंने तो जिस तरीके की कार्रवाई हुई है उससे लगातार शिवसैनिकों का आक्रोश जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। शिवसैनिकों का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है, सड़कों पर भी वो आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसी के विरोध में शहर शहर अलग अलग तरीके से ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है शिवसैनिकों का। और शिवसैनिकों का कहना यही है कि हम झुकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं। मेडिकल के बाद कोर्ट लाया गया, कोर्ट में पेशी होगी और क्या फैसला अब
होता है, इस पर सबकी नजरें लगातार टिकी हुई है कि क्या फैसला अब आने वाला है। थोड़ी देर में संजय राउत की कोर्ट में पेशी और फैसले का इंतजार सभी को है। बयान इसी बीच में सामने आ रहे हैं, शिव सैनिकों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। सड़कों पर शिव सैनिक बैठे हुए हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हिरासत में संजय राउत को जब से लिया है तभी से इस कार्रवाई के विरोध में पुणे में भी शिवसेना ने आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। कार्रवाई के विरोध में शहर प्रमुख संजय मोरे के नेतृत्व में और अलग अलग जगह पर चौक चौराहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। संजय मोरे ने कहा है कि सांसद राउत पिछले 2.5 साल से मीडिया के सामने आकर बीजेपी की गलतियों की आलोचना कर रहे थे, जिससे कि बीजेपी नाराज हो गई थी। बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जिस तरीके से बीजेपी की आलोचना की जा रही थी, बीजेपी नाराज हो गई थी और उसी के चलते अब ये गिरफ्तारी हुई है, उसी के चलते अब ये कार्रवाई हुई है। सीधे सीधे आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है शिवसेना की तरफ से। ईडी ने मेल घोटाला मामले में जांच के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत को हिरासत में लिया और उस कार्रवाई के विरोध में पुणे में शिवसेना ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कार्रवाई के विरोध में शहर प्रमुख संजय मोरे के नेतृत्व में पुणे के सरसबाग चौक पर रास्ता रोको प्रदर्शन किया गया। संजय मोरे ने कहा कि सांसद राउत पिछले 2.5 साल से मीडिया के सामने आकर बीजेपी की गलतियों की आलोचना कर रहे थे, जिससे कि बीजेपी नाराज हो गई थी। उन्हें 1.5 महीने से नोटिस जारी किया जा रहा है। संजय मोरे ने आरोप लगाया कि राज्यपाल के बयान के मामले में ध्यान हटाने के लिए सांसद राउत को हिरासत में लिया गया। पुणे शहर के प्रमुख गजानन थारकुंडे, उप शहर प्रमुख बाला ओसवाल, डॉक्टर अमोल देवलेकर और उनके साथ साथ में कई और लोग भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद नांदेड़ में पूर्व मंत्री अशोक चौहान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति का स्तर गिरना शुरू हो गया है, व्यक्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ईडी की जांच को पूरी तरह से निंदनीय बताया है। तो संजय राउत की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके चलते अलग अलग प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही हैं। राजनीति के स्तर को गिराने की बात भी की जा रही है और शिवसेना का तो सीधे सीधे आरोप बीजेपी पर है कि जिस तरीके से संजय राउत अब तक बीजेपी की आलोचना कर रहे थे, उसी का नतीजा है कि अब संजय राउत की गिरफ्तारी कराई गई है और इसीलिए जगह जगह प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। शिवसेना का विरोध प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग शहर में सड़कों पर शिव सैनिक नजर आ रहे हैं, जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेड यूनियन की तरफ से एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिस सम्मेलन में ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष ललित गांधी के साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। जीएसटी, सिंगल यूज प्लास्टिक समेत कई व्यापारिक गतिविधियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। बैठक ने 5% जीएसटी लगाए जाने को लेकर नाराजगी जताई है, साथ ही इसको हटाने के लिए सीएम शिंदे से मांग की है। तो ट्रेड यूनियन का सम्मेलन, सीएम शिंदे उस सम्मेलन में शामिल हुए। ये जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसमें शामिल हुए, जीएसटी को लेकर सीएम से बात इसमें की गई है। ट्रेड यूनियन का सम्मेलन और जीएसटी को लेकर इसमें बातचीत की गई है। मुख्यमंत्री से खुद इस कार्यक्रम में बातचीत की गई, व्यापारिक गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई कि किस तरीके से व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से व्यापार विकास की रफ्तार को पकड़ सकता है और विकास की जो रफ्तार है और ज़्यादा तेज़ हो सकती है। ये औरंगाबाद की तस्वीरें हैं जहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया और यहीं पर इसमें व्यापारी शामिल हुए। कांग्रेस नेता और महाविकास आघाड़ी सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके असलम शेख ने मुंबई के सागर बंगले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उनके साथ ही बीजेपी नेता मोहित भारतीय भी इसमें मौजूद रहे। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने पालम बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके उनका हाल जाना और नगर निगम महापौर वसंतराव सिरस्कार ने
किसानों की ओर से पत्र सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया है। अजीत पवार ने सरकार से बात करके जल्द ही लोगों को राहत देने की बात कही और वहीं विकास कार्यों को लेकर चर्चा की है। शिवसेना के नवनिर्वाचित संपर्क प्रमुख बवन थोरात का नांदेड़ में जमकर स्वागत किया गया और संपर्क प्रमुख ने शिंदे गुट के नेताओं को लेकर कहा कि आने वाले दिनों में हमें शिवसेना संगठन को मजबूत करके इसका हिसाब लिया जाएगा। और वहीं सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व सांसद सुभाष वानखेड़े ने कहा कि ईडी के माध्यम से केंद्र बीजेपी लोगों को टारगेट कर रही है। पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी ने मुझे नांदेड़ और हिंगोली की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज मैं नांदेड़ में जब आया, शिवसैनिकों के हौसले देखकर ये तय हुआ है कि आगामी कालखंड में ये नांदेड़ जिले में भगवे की लाट आ जाएगी और जो गद्दार लोग है वो गद्दार लोग के उनकी जगह दिखाई जाएगी। संजय राउत शिवसेना के नेता है और संबंध देश के अंदर अगर महाराष्ट्र के अंदर अगर देख लिए तो शिवसेना के कई मातब्बर नेता को परेशान करने का, उनके हरासमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के ओर से हो रहा है। ये जानबूझकर कर रहे, मानसिक तकलीफ दे रहे, कौटुंबिक तकलीफ दे रहे, बदनाम करने का काम जो ईडी के माध्यम से जो हो रहा है वो बहुत गलत है। और महाराष्ट्र की जनता ये जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो महाराष्ट्र की जनता इनको माफ़ करने वाली नहीं है। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बुढ़ाना जिले के शेगांव में धार्मिक स्थल के पास में संचालित बियर बार को बंद कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। 3 दिन के भीतर बियर बार बंद ना होने पर रेलवे ट्रैक जाम और आत्महत्या करने की चेतावनी दी गई। इलाके की महिलाओं का आरोप है कि आबकारी विभाग बिना स्थलीय निरीक्षण, नगर पालिका और थाने की परमिशन के मनमानी तरीके से बियर बार का लाइसेंस प्रदान करता है, जिससे कि आसपास के लोग प्रभावित होते हैं। मिल्लत नगर क्षेत्र में बियर बार को लेकर नाराज महिलाओं ने कहा है कि ये शैक्षणिक और धार्मिक क्षेत्र है, इससे हमारे बच्चों और परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से इस पर जल्द संज्ञान लेकर कार्रवाई के लिए आश्वासन के बाद महिलाओं ने प्रदर्शन खत्म किया। मनमानी का आरोप लगाया गया है। बुढ़ाना का ये पूरा मामला है जहां पर बियर बार बंद कराने को लेकर प्रदर्शन किया गया है और महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। आबकारी विभाग पर महिलाओं का गुस्सा फूटा है, मनमानी करने का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि मनमानी तरीके से यहां पर बियर बार खोला गया है, गलत प्रभाव उसका बच्चों पर पड़ता है, गलत प्रभाव उसका आबादी वाले इलाकों में पड़ता है और यही वजह है कि यहाँ पर प्रदर्शन और आक्रोश इन महिलाओं का लगातार देखने को मिला है। बियर बार बंद कराने की मांग को लेकर अकोला जिले के हेबारखेड़ में विकलांग दंपत्ति पर भाई ने हमला कर दिया और हमले में महिला की मौत हो गई। गंभीर हाल में पुरुष को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। आरोपी और मां को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया, मामले में पूछताछ शुरू कर दी। परभणी में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला जारी है, उस वजह से परभणी में दहशत फैल गई है और पुलिस प्रशासन के कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मामला खंडोबा बाजार परिसर का है जहां पैसे के लेन देन को लेकर फिरोज और उसके साथियों ने मिलकर रफीक नामक युवक पर चाकू से वार किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। फिलहाल घटना की जाँच पुलिस कर रही है। बुढ़ाना के होटल मयूर के पास में बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद 19 लोग घायल हो गए।
और इस हादसे में 17 यात्री हैं, बाकी 2 ड्राइवर और कंडक्टर हैं। बताया जा रहा है कि बस औरंगाबाद से नागपुर की तरफ जा रही थी, तो वहीं औरंगाबाद नागपुर मार्ग पर होटल मयूर के नज़दीक में ओवरटेक करने के दौरान दोनों वाहनों में टक्कर हो गई। सभी घायलों को मेकर प्राथमिक आरोग्य केंद्र में इलाज चल रहा है। नासिक में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां पर नंदे की स्थापना नहीं की गई है। इस मंदिर का नाम कपालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान महादेव को अपने ऊपर लगे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कराने का जो मार्गदर्शन है नंदी द्वारा, उन्हें यहां पर गोदावरी नदी किनारे प्राप्त हुआ था। इसलिए नंदी महाराज यहाँ पर शिव के गुरु के रूप में स्थित हैं और इसी कारण यहाँ पर नंदी की मूर्ति स्थापित नहीं की हुई है। भक्त यहाँ पर नंदी के बगैर सीधे शिव के दर्शन प्राप्त करते हैं। कपालेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों की तादाद को देखते हुए नासिक के पंचवटी पुलिस और मंदिर कमेटी ने पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। तो ये जो मंदिर है, बहुत सारे यहाँ की विशेषताएं भी हैं और मान्यताएं भी हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा भी जाता है कि यहाँ पर नंदी की मूर्ति नहीं है। नासिक का कपालेश्वर महादेव मंदिर है, भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और बहुत सारी मान्यताएं यहाँ पर पुरानी हैं। मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नासिक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही भक्त पहुँचे हुए हैं पूजा अर्चना करने के लिए और भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो तांता लगा हुआ है, बहुत सारी मान्यताएं यहाँ पर हैं और उन्हीं मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं। कहा यह जाता है कि नंदी महादेव के गुरु यहाँ पर माने जाते हैं, इसलिए उनकी मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और उस इंतज़ामों के चलते यहाँ पर सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर देखने को मिल रहा है। लगातार भक्तों की लंबी लंबी कतारें इस मंदिर में लगी हुई हैं। हम यहाँ पर किए हुए हैं और काफ़ी मान्यता प्राप्त ये मंदिर माना जाता है।